लाइट को देखते रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ दिनों के लिए तुम्हें आराम करना होगा ऑप्टिमस, पर अच्छी बात यह है कि तुम्हारे सिस्टम से क्यूबॉनिक प्लेग निकल चुका है। सिर्फ तुम्हारी काबिलियत की वजह से मेरे दोस्त। नहीं, तुम्हारे बहादुर साथी की वजह से जिसने जोखिम उठाकर इलाज ढूंढा। किस्मत अच्छी थी जो मेगाट्रॉन जिंदा था। हाँ, कहते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ये कोई मामूली बात नहीं कि तुम ठीक हो ऑप्टिमस, जबकि मेगाट्रॉन तो। इसने सही कहा, मैंने मेगाट्रॉन को मारने की पूरी कोशिश की थी। थोड़ा वक्त और मिलता तो उसका नाम और निशान मिटा देती। ऑप्टिमस फिलहाल बेखबर है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, पर उसे पता चल सकता है। मुझे अपने शरीर में जाना होगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर को पूरी तरह काबू में करना होगा। की स्टाइल में खेल शुरू किया जाए। कम ऑन बल्कहेड, क्यों ना बेस्ट आउट ऑफ थ्री हो जाए। बम्बलबी, रास्ता साफ है, फेंको, जल्दी से फेंको। बम्बलबी, बॉल के साथ चिपक क्यों गए? किसने फाउल किया? डॉज बॉल साइबरट्रॉन स्टाइल में। बी, हुप वहां है। बम्बलबी, तुम ठीक हो? हाँ, जाओ थोड़ा टहल लो। मुझे अपने शरीर में जाने से पहले उसे काम करने लायक बनाना होगा। याद करता हूं कि मेरी जान कैसे बची। याद आ गया, डार्क एनर्जॉन। स्टार स्क्रीम। नाक, क्या अंदर कोई है? नहीं, कोई नहीं। मेरे पास ही वो चीज है जिसकी मदद से तुम फिर से उठकर अपनी मनमानी कर सकते हो। माय डियर मेगाट्रॉन, तुम्हारे स्पार्क चेंबर से निकला ये इकलौता टुकड़ा इस प्लेनेट पर बचा है, लेकिन ये भी तुम्हारे दिमाग को ठीक नहीं कर पाएगा। डिसेप्टिकॉन्स को एक लीडर चाहिए, कोई सजावटी पुतला नहीं। उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे सिंहासन का हकदार मैं ही हूं। जब मैं उन्हें ऐसा प्लान बताऊंगा कि जैसे मेगाट्रॉन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अच्छे लीडर बड़ा सोचते हैं नॉकआउट। तुम्हें यहाँ आए कितना वक्त हुआ? काफी वक्त हो गया। और कमांडर नॉकआउट कहिए हमारे होने वाले लॉर्ड स्टारस्क्रीम। रैफ, क्लास शुरू हो रही है। बम्बलबी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आया और उसका कॉल लिंक फिर बंद है। कुछ पता है वो कहाँ है? चलो आगे बढ़ो, मेरा हुक्म मानो। बम्बलबी,
वो काम का था। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, तुम्हें मेगाट्रॉन नजर आ रहा है। बम्बलबी अजीब दृश्य देखने की शिकायत कर रहा था, जैसे जागते हुए बुरा सपना देखना। पर तुमने तो कहा था वो बिल्कुल ठीक है शारीरिक तौर पर, लेकिन जिस चीज से वो गुजरा है उसकी वजह से उसके दिमाग पर बुरा असर हुआ है। थोड़ी देर तक बंद रहने पर उसके दिमाग को आराम मिलेगा, जिससे वो ठीक हो जाएगा। प्राइम, तुम्हें अंदाजा भी है कि डिसेप्टिकॉन्स क्या गोल खिला रहे हैं? नहीं स्पेशल एजेंट फाउलर, क्या हुआ? क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम उन्हें कवाई नेवल ऑब्जर्वेटरी में जाने से रोकोगे। उन्होंने उस जगह को बिल्कुल खंडर बना दिया है। डिसेप्टिकॉन्स को ऑब्जर्वेटरी से क्या चाहिए होगा? तुमने हॉइट निकोगोजियन का नाम सुना है? जिन्होंने स्पेस टेलीस्कोप बनाया। इतना कहूंगा कि उसका प्राइमरी लेंस चोरी हो चुका है। बिना ये जाने कि वो लेंस कहाँ है, स्टार स्क्रीम के इरादों का पता लगाना मुश्किल है। अच्छा हुआ लेंस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस है। आर्कटिक में? बढ़िया, डिसेप्टिकॉन्स के अलावा उस बेरहम ठंड से भी लड़ना होगा। ये तो ND7 क्लास का है, सबसे बड़ा एनर्जॉन डिपॉजिट जिसे खोद नहीं सकते, और इसीलिए स्टार स्क्रीम उस एनर्जॉन को पिघलाकर हासिल करेगा, वो भी उस लेंस की मदद से। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ेगा और तट के पास के शहर बर्बाद हो जाएंगे।